प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम BSTC सेकंड ईयर का विषय बच्चे और सीखने के अंतर्गत पढ़ेंगे। इकाई 7 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। विशेष आवश्यकता वाला मतलब बच्चे में हमने पढ़ा था सतीश अपंगता दृष्टिहीन के बारे में, हमें कैसे थिंकिंग रखनी चाहिए उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे विकलांगता। उसे बोलते हैं हैंडिकैप। मतलब जो बालक हम पढ़ते हैं, जिन बालकों के अंतर्गत इस प्रकार की समस्या दोष गुण पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। विकलांगता क्या? विकलांगता ये मतलब नहीं कि सिर्फ पैर कटा हो, हाथ कटा हो, वो विकलांगता नहीं होता है। हमारी मानसिक और शारीरिक क्षमता भी हमारी कमजोर होती है, उनके प्रकार की विकलांगता क्या कहते हैं। कहना मतलब कि इसके अंतर्गत या इसमें बालक इस दोष के कारण ही सही से सीखने, खेलने तथा पर्याप्त सामाजिकता की उपलब्धि में कठिनाइयों का अनुभव करता है। कहना मतलब है कि इस प्रकार के दोष के कारण ही, विकलांगता के कारण ही व्यक्ति आज खेलने से, सीखने से या सामाजिकता में बैठने से पहले 20 बार अनुभव करता है कि मैं आज कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विकलांगता में मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से एक अक्षम होना ही एक दोष होता है। असक्षम होना ही क्या है? दोष। हम कहते हैं कि हम अपने आप में पढ़े लिखे व्यक्ति और हम जहाँ पे काम नहीं कर पाते हैं वह भी एक असक्षम होने के कारण हम भी अपने आप में विकलांगता है। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आपको आगे आना चाहिए। हमारे STC में कुछ लड़की ऐसी हैं जो हमेशा बोलती नहीं, हाथ खड़ा नहीं करते, बोलते तो विकलांगता है। हमें वहाँ से दिखानी चाहिए। तो हम पढ़ते हैं निर्योग्यता। मतलब क्या होता है निर्योग्यता? Thank you.
है वो भूमि का बारी ज्यादा मतलब रुक जाती है। जैसे एक व्हील चेयर के प्रयोग करने से उदाहरण एक व्हील चेयर के योग्य व्यक्ति सीधी नहीं चल रहा है, व्यक्ति सीधी नहीं चल पाता है, चल नहीं पाता है, उसे विकलांगता कहते हैं, उसे विकलांगता मतलब विकलांगता कहते हैं मतलब जो सीधी पर नहीं चल पाता है उसे विकलांगता कहते हैं। विकलांगता एक ऐसी स्थिति है, विकलांगता एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी अवस्था में सामान्य व्यवहार कार्य शक्ति या नियमित कर्तव्यों को न्यूनतम कम से कम प्रभावित करके आंशिक मानसिक सामाजिक एवं भावात्मक असंतुलन उत्पन्न कर देती है। ये सभी जो परिभाषा है ये श्री बी जी तिवारी के अनुसार कहा गया है कि विकलांगता की ऐसी स्थिति है, विकलांगता की ऐसी स्थिति है जो किसी भी अवस्था में सामान्य व्यवहार कार्य शक्ति या नियमित कर्तव्यों के माध्यम के अनुसार कम से कम आंशिक मानसिक सामाजिक भावात्मक अनुसंतुलन उत्पन्न कर देती है। मतलब ये विकलांगता जो है व्यक्ति को मानसिक रूप से आंशिक रूप से सामाजिक में भावना के प्रति और अनुसंतुलन को बिगाड़ देती है। विकलांग व्यक्ति हमेशा अपने आप को कमजोर समझता है कि मैं जीवन में आगे बढ़ूंगा या नहीं बढ़ूंगा, हमें आत्मविश्वास को नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे व्यक्ति को मोटिवेशन करके आगे लाना चाहिए, आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, ऐसी बात बोलते उसको मोटिवेशन करना चाहिए, आपके कार्य में बाधा उत्पन्न हो कि आप मन से दिमाग से अपने आप को अगर विकलांगता बढ़ाते हो तो ये गलत है। समय समय पर विकलांगता की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, वर्तमान समय कि समय समय में विकलांगता की स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे पहले ऐसे बालक जब पैरों से विकलांग थे, ऐसे बालक जो समाज पर आश्रित दया के पात्र के रूप में माने जाते थे परंतु आज वर्तमान स्थिति में ऐसी स्थिति नहीं है। आज क्योंकि उदारश्री उपचारी उदारश्री संतोषजनक भावना को ठेस पहुंचाते हैं, आप ये बताओ आप उसको अपमानित करते हैं, क्यों करते हैं? पहले उसने दया भाव का एक समर्पित भाव था, समाज उसके प्रति दया रखते थे, उसको खाने को दो पीने को दो सब व्यवस्था को दी जाती थी। आज वर्तमान समय में आज हर व्यक्ति हर इंसान अपने आप को विकलांगता का औचित्य बन जाता है, क्योंकि आज हमारे पैर होते हुए भी हाथ होते हुए व्यक्ति को माना नहीं जाता है, मतलब आलस्य का एक प्रकार का आदि बन जाता है, ये भी प्रकार की आलस्यता एक विकलांगता के तौर के अंदर ही आती है। कहने का मतलब है कि हमें विकलांगता के ऐसे व्यक्तियों की हेल्प करनी चाहिए, समय समय पर उसकी देखरेख करनी चाहिए, जो हमारे सामने है वो हमें देना चाहिए। तो कहना होना है कि हमारा व्यवहार उसके प्रति हमेशा अच्छा होना चाहिए, हमारी चीजें अच्छी होनी चाहिए, हमारे विचार मिलने चाहिए और ऐसे व्यक्ति की आप सब पर हेल्प कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगता है। कहने का होना है कि समय कभी परिवर्तन हो सकता है, हमें किसी व्यक्ति के बारे में ऐसे व्यक्ति जो अपंगता है विकलांगता है इनके प्रति हमें मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय कभी परिवर्तन हो सकता है, वह स्थिति कभी भी हमारे सामने भी आ जाती है। क्योंकि पहले समाज के अंदर ऐसे व्यक्ति जो विकलांगता थे उनको आज की मान सम्मान दिया जाता है, परंतु आज वर्तमान समय के अंदर ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान नहीं मिलता है, वो अपने आप को इतना पिछड़ा समझता है कि ये विकलांगता जो है बहुत खराब जीवन को नर्क में ले जाती है। कहने वाला है कि हमें अपंगता के तौर पर कैसा भी व्यक्ति हो हाथ पे नहीं मिलता, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमें अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करते हुए हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विशेष आवश्यकता वाले टॉपिक के अंदर साथ ही हम और नई वीडियो के साथ में
नए प्रकरण के साथ में हम नए वीडियो को अपलोड करने के माध्यम से हम वापस नए प्रकरण के साथ में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।